हेलो एवरीवन, वेलकम टू द दीपिकास किचन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे हैं। तो इस बरसात के मौसम में क्यों ना गर्मा गर्म सूप बनाने की रेसिपी हम देख लें। अभी बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, और ऐसे मौसम में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह के मौसम में अगर हम गर्मा गर्म सूप मिल जाए, वो भी चिकन सूप, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। चलिए मिलकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है इस तरह से एक प्रेशर कुकर, और इसके बाद हम इसमें बटर का एक क्यूब डालेंगे और अच्छी तरह से बटर को मेल्ट होने देंगे। तो लीजिए, बटर मेल्ट हो चुका है और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक। इस तरह से बारीक काट के मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरह से चला लेना है। बहुत सुंदर सी खुशबू आती है इस समय इसमें से। और इसके बाद यहाँ हमें ऐड करना है 150 ग्राम बोनलेस चिकन। तो इस तरह से हमें बोनलेस चिकन को इसमें ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से सॉटे करना है लगभग 5 मिनट तक इस तरह से। तो देखिए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो लगभग 4 ग्लास के करीब मैं यहाँ पानी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। बस इसके बाद हमें प्रेशर कुकर की लीड को बंद कर देना है। सारे स्टेप को फॉलो करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और परफेक्ट चिकन सूप का मजा घर बैठे उठाइएगा। और इसके बाद 2 व्हिसल आने तक हमें इसे गैस की फ्लेम पर चढ़ाए रखना है। तो लीजिए, अब ये ठंडा हो चुका है कुकर बिल्कुल अच्छी तरह से। मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम एक स्ट्रेनर में इसे इस तरह से छान लेंगे। तो नीचे एक बहुत बड़ी सी कटोरी मैंने रख ली है, और उसके बाद पहले चिकन के पीसेस को इस तरह से छन्नी के ऊपर हम डाल लेंगे, और लास्ट में चिकन का स्टॉक इसमें हम बाकी का डाल लेंगे इस तरह से। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब पूरा ठंडा करके ही ये प्रोसेस को करिएगा। और ये है चिकन स्टॉक, जिससे कि हमें ये सूप को बनाना है। तो इसके बाद एक प्लेट मैंने इस तरह से ले लिया है, और सारे चिकन के पीसेस को इसमें हम डाल लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है, इसलिए हाथों की सहायता से आराम से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। ये रेडी हो चुका है ग्रेटेड चिकन। इसके बाद पैन ले लिया है मैंने, और इसके बाद गैस की फ्लेम को हाई रखना है इस समय हमें, और सारा जो चिकन स्टॉक है इसे इसमें डाल लेना है। और इसी के साथ ही जो पहले हमने बॉईल करते समय अदरक और लहसुन डाला था, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी बहुत बढ़िया सी खुशबू आती है, और फ्लेवर भी बहुत इन्हेंस हो जाता है। और ग्रेटेड चिकन जो है, इसे भी इस स्टेज पर हमें ऐड कर लेना है, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके उबाल आने देना है। बहुत ही फटाफट भी बन जाता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये रेसिपी। और बाहर जाकर चिकन सूप खाने से अच्छा दोस्तों हम घर पर ही बना लें बरसात के मौसम में, तो बहुत ही बेहतर होता है। देखिए, उबाल आ चुका है अच्छी तरह से। अब हमें इसमें फिर से थोड़ा सा नमक ऐड करना है। नमक हमने पहले भी ऐड किया है, तो इसीलिए आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करिएगा। और ये है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर आराम से आपको किसी भी किराने दुकान में मिल जाएगा। इसे हमें 1 टेबल स्पून डालना है। तो इस तरह से 1 टेबल स्पून हम इसमें वाइट विनेगर डालेंगे, और साथ ही यहाँ जाएगा डार्क सोया सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून। जिस भी चम्मच से आप डाल रहे हो, रेशियो एक ही होना चाहिए। इससे परफेक्ट रेस्टोरेंट वाला जो फ्लेवर होता है वो आता है, तो इसे ज़रूर ऐड करिएगा। और साथ ही यहाँ जाएगा टोमेटो केचप, ये भी 1 टेबल स्पून डालना है। बस अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, और इसे उबाल आने देना है। हाई फ्लेम रखिएगा इस समय गैस का। और यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी में कॉर्न स्टार्च, जिसे कि हम कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं, 1 चम्मच। और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसका एक लम्स फ्री बैटर तैयार कर लेना है। आसानी से ये घुल जाता है।
ये देखिए बिल्कुल आसानी से घुल चुका है और पानी बिल्कुल ठंडा है, गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने यहाँ एक अंडे को फोड़ लिया है यहाँ इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से स्पून की सहायता से हमें फेंट लेना है, और इसमें हमें अलग से किसी तरह से की मसाले या नमक की ज़रूरत नहीं है डालने की, अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। तो ये देखिए चिकन स्टॉक कितने बढ़िया तरीके से बॉयल हो रहा है, बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है, और ये जो कॉर्न स्टार्च वाला लिक्विड था इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है, इससे ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। बस सारा हमने इसमें ऐड कर लिया है, और साथ ही यहाँ पर इस स्टेज में हम ऐड करेंगे फेटा हुआ अंडा, इसे भी हमें ऐड कर लेना है इसी के साथ। देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और फटाफट से चम्मच को चलाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। गैस की फ्लेम इस समय हाई रखनी है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से बॉयल आने देना है। ये देखिए इस तरह से हमें स्पून को हिलाते रहना है, और आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर इसे हमें लास्ट में ऐड करना है, और बस लीजिए गर्मा गर्म सूप रेडी है। और चलिए अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए आपके लिए पेशे खिदमत है गर्मा गर्म चिकन सूप। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इस बरसात के मौसम में इस चिकन सूप को एंजॉय करिए, खाइए, अपने परिवार को खिलाइए और इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों रेसिपी पसंद आई है, पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।